2024 के लोकसभा चुनाव में असपा यानी आजाद समाज पार्टी काशी राम के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण की नगीना लोकसभा सीट से कामयाबी ने पार्टी में जड़ी बूटी का काम किया है और भारी तादाद में इस पार्टी में कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग के। आपको बताते चलें, भारी तादाद में कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों से इस पार्टी में आ रहे हैं। AIMIM व अन्य पार्टियों से भारी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और जिसके दृश्य हम दिखा रहे हैं, प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं जो कार्यकर्ता और नेता पार्टी में आजाद समाज पार्टी काशीराम में आ रहे हैं। मेरा नाम संजीव पाल है और मैं प्रदेश संगठन मंत्री और पश्चिम प्रभारी आजाद समाज पार्टी काशीराम। जिस तरह से आज काफी लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, सबसे पहले इसके बारे में देखिए, आज जो मेरठ जनपद में जिन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी में आस्था जताते हुए उनका हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं और उनका जो है धन्यवाद करते हैं। और ये मेरठ में नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में और जो है आज जो आज़ाद समाज पार्टी का कारवा बढ़ रहा है, हर जगह पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी में जो लोगों को आस्था दिखी है, उस आस्था को आज जो है हर आदमी ये चाहता कि इस जो है बहुजन मिशन में भाई चंद्रशेखर जी के कारवे को बढ़ाने के लिए मेरी भी भागीदारी होनी चाहिए, इसलिए आज इतनी जोरों शोरों से आजाद समाज पार्टी परिवार का कारवा बढ़ रहा है। अच्छा, एक तरफ असपा है, एक तरफ बसपा है, दो जगह तो नहीं बढ़ जाएगा वो? देखिए, आपने ये देखा होगा, हमने जो है उत्तर प्रदेश के अंदर 2000 जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के 2024 के अंदर लोकसभा नगीना लड़ी, तो वहाँ आपने देख लिया होगा सभी पार्टियों की, बस हमारा चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी का था, बाकी सभी पार्टियों की वहाँ जमानत जब्त हुई है। तो हमें ये लगता है कि हमारा दलित मुस्लिम और पिछड़ा समाज अब बटने का काम नहीं कर रहा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ चलने का काम कर रहा है, जिसका परिणाम हमने लोकसभा में भाई चंद्रशेखर जी को भेज के दिखा दिया है और आने वाले जो है 2027 में यूपी के अंदर, और उससे पहले तो हम ये 10 उपचुनाव सीटों पर होने जा रहा है उसके अंदर दिखा देंगे कि हमारी जो है वहाँ जो है आज लोग जो लखनऊ की गद्दी में भी आजाद समाज पार्टी के हम जो है विधायक होंगे। किठौर देहात का रहने वाला, वहाँ से ग्राम प्रधान हूँ। मैंने समाजवादी में काम करा काफ़ी टाइम, लेकिन भाई चंद्रशेखर की नीतियों को देखते हुए कि अगर जो कहीं मुसलमानों के लिए बोलते हैं तो एक नेता आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भाई हैं, उनकी नीतियों को देखते हुए मैंने आज से ज्वाइन की है। और मुझे मरगूब भाई ने, अनंत मरगूब भाई जो हमारे प्रदेश कमेटी के सदस्य हैं, डॉक्टर राजकुमार साहब सचिव हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने मुझे जिले का जिला उपाध्यक्ष बनाया है और मैं आज घर घर जाकर लोगों से आज से ही 2027 की तैयारी शुरू करा दूंगा। इंशाल्लाह 2027 में हमारे बिना आजाद समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, आप चुनाव भी लड़ेंगे या वो जो राजनीति करेंगे? फिलहाल संगठन की राजनीति करेंगे, बाकी जो पार्टी का निर्णय होगा उस पर भी हम काम करेंगे। पार्टी की बात मानी जाएगी, पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ काम करेंगे। भविष्य को लेकर क्या उम्मीदें हैं पार्टी? भविष्य के लिए हमने हमारी तो अब तक कट चुकी, हमें बच्चों की देखना है, मिलने वालों का देखना कि सिर्फ आजाद समाज पार्टी में ही भविष्य है बच्चों का, वरना तो बिल्कुल ना शिक्षा छोड़ी है इन्होंने ना कुछ छोड़ा है। अक्सर करके कई नौजवान लड़के दिखाई देते हैं, कोई फेरी कर रहा तो उसे मार देते हैं, इस करते हैं, तो उनके लिए चंद्रशेखर भाई बोल रहे हैं। उनको देख के मैं ये चाहता हूँ हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों को आजाद समाज पार्टी में आ जाना चाहिए चंद्रशेखर भाई को अपना नेता मानकर, क्योंकि अभी हमारे यहाँ ज़िले में धौलड़ी गाँव में माइक बाग में बहुत बड़ी घटना हुई, आपको सबको मालूम है, 2 कुरैशी समाज के लोग मार दिए, एक में 5 गोली लगी, वो बेचारा बच गया, अल्लाह ने उसे बचाना था तो उसने गोली, कोई भी नेता नहीं बोला, एक चंद्रशेखर भाई उनके घर पे उनकी सद्भावना देने गए और उन्होंने वहाँ से ललकारा। उसी दिन 2 अरेस्ट पुलिस ने किया कि चंद्रशेखर भाई आप यहाँ बैठना मत, हम आज ही उन्हें अरेस्ट करेंगे, त्यागी समाज के लोगों को उसी दिन उन्होंने अरेस्ट करा। मैंने उस दिन से अपना पक्का वादा कर लिया कि मैं समाजवादी पार्टी छोड़कर इस आजाद समाज पार्टी में रहूँगा और यहीं मैं काम करूँगा। इन्होंने मुझे एक सिपाही के रूप में कुछ क्या है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी मेहनत और कमर से उस सिपाही का फर्ज नहीं निभा देता। मैं अनस मरगूब, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य आजाद समाज पार्टी काशीराम, जनपद मेरठ मंडल प्रभारी। जिस तरह से आप पार्टी से जुड़े हैं आजाद समाज पार्टी में, क्या भविष्य दिखता है? आजाद समाज पार्टी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो गरीब मजलूम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही है और मात्र भारत में एक ही नेता ऐसा है जो कमजोरों की वंचितों की लड़ाई लड़ रहा है, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। अच्छा, तो इसी उम्मीद को लेकर आप पार्टी से जुड़े हैं। एक तरफ मुस्लिम समाज जो है पहले ही
कई जगह बढ़ जाए, तो अब ऐसा नहीं है क्या वोट बैंक बढ़ने से वो नुकसान होने जा रहे हैं? नहीं, मुस्लिम समाज नहीं बढ़ता। मुस्लिम समाज ने 2022 में 95% वोट जो है सपा को दिया। मुस्लिम ने 2024 में गठबंधन को वोट दिया। मुस्लिम समाज नहीं बढ़ता है और मुस्लिम समाज ये समझ चुका है कि अकेला मुस्लिम कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसे इतनी ही वोट, इतना शेयर परसेंट दूसरे समाज का जरूरी है। तो इसलिए ये जो है आजाद समाज पार्टी काशी राम के साथ मुस्लिम समाज जुड़ रहा है, ताकि यहाँ अगर बहुजन समाज और मुस्लिम समाज एक जगह होकर इस देश में राजनीति करेंगे तो ये सक्सेस राजनीति होगी। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि वोट बैंक बटेगा? मुस्लिम समाज जब एक तरफ विपक्ष की तरफ जा रहा था, सपा कांग्रेस की तरफ जा रहा था, तो अब असपा आ गई है मैदान में जी, तो मैंने कहीं वोट बैंक बटने की उम्मीद न रहेगी? नहीं, ये तो जनता ने, बिजनौर की जनता ने, अभी नगीना की लोकसभा की जनता ने जो साबित कर दिया है कि मुस्लिम समाज बटेगा नहीं। पूरे देश में इंडिया और एनडीए का चुनाव चल रहा था, लेकिन नगीना लोकसभा में दलित और मुस्लिम और हमारे पिछड़े समाज के लोगों ने एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का सहयोग किया, उन्हें सांसद बनाया और संसद तक भेजा। तो दलितों के नेता बहन जी मायावती जी और उनके भी दलित समाज को लेकर पूरा दावा है, बिल्कुल पार्टी है, आगे चुनाव में उनसे भी आपका एक मुकाबला रहेगा, तो कैसे देखते हैं इस? देखो, समाज उसे वोट करेगा जो समाज की लड़ाई लड़ेगा। इसमें नेता बहन जी नेता थी, नेता हैं, लेकिन बहन जी पिछले काफ़ी वर्षों से मौन हैं। और दलित समाज ने भी, आप अगर नगीना लोकसभा में देखें, 5 विधानसभा हैं, 5ों विधानसभा में जो वहाँ सुरेंद्र जी प्रत्याशी थे बहुजन समाज पार्टी के, मात्र उन्हें 13,000 वोट मिली हैं 5 विधानसभाओं में। तो ये साबित कर दिया दलित समाज ने कि दलित ने चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता मान लिया है। दलित और मुस्लिम और पिछड़ा समाज एक होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के हाथों को मजबूत करें। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश जाटव है। मैं आज़ाद समाज पार्टी में उत्तर प्रदेश में सचिव हूँ, और जो हमारा आज़ाद समाज पार्टी बहुजन मिशन है, उस मिशन का एक कैडर होता है, उस कैडर अभियान समिति का मेरठ मंडल का प्रभार। जिस तरह से आज भी काफ़ी ज्वाइनिंग हुई, क्या सोचते हैं पार्टी के भविष्य? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, जिस तरह आज की राजनीति का परिदृश्य है देश और प्रदेश में, सभी लोग कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता बना के बैठ गए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सामने बोलने को तैयार नहीं है। हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संसद में जाने के बाद जितने समस्याएं हैं, हर मुद्दे पर उन्होंने कहा है, हर मुद्दा, चाहे वो मुस्लिमों का हो, चाहे वो दलितों का हो, चाहे वो पहलवानों का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, हर मुद्दे पर उन्होंने लड़ाई लड़ी है और वो लड़ाई लड़ेंगे, और ये भविष्य हमारी पार्टी का उज्ज्वल है। चंद्रशेखर भाई के साथ रोज़ नए नए लोग जुड़ रहे हैं और पार्टी का ग्राफ आगे बढ़ रहा है।